मत सोच जिंदगी के बारे में इतना, जिसने तेरे को जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम वायु अमन है और आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस बेहतरीन और सबसे ज्यादा शानदार वीडियो में। हम लोग बात करेंगे अम्ल क्षार एवं लवण, एसिड बेस एंड साल्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ध्यान से देखिएगा कि यदि आप क्लास 10th में हैं और क्लास 10th के अभी तक हमारे साइंस के वीडियोस नहीं देखे हैं, बायोलॉजी के वीडियोस नहीं देखे हैं, ठीक है, सोशल साइंस के वीडियोस नहीं देखे हैं, तो प्यारे बच्चों आप सभी लोग देख लीजिएगा, ठीक है। कहाँ से देखेंगे, सबसे अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, आप सभी लोग प्लेलिस्ट चेक करेंगे, ठीक है। जो बच्चे प्लेलिस्ट चेक करेंगे, क्योंकि प्लेलिस्ट पर ही क्या सभी वीडियोस अवेलेबल हैं, वहां पर जाना पड़ेगा, प्लेलिस्ट पर चेक करना पड़ेगा, सभी वीडियोस को देखना पड़ेगा, ठीक है। यदि बात करें क्लास 10th साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसकी भी प्लेलिस्ट है और वहां पे 150-200 वीडियोज अपलोड है, इतने वीडियोज अपलोड है आपके देखने के लिए, ठीक है। हर टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने सभी वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को समझाया है, ठीक है। और मेरा हमेशा से उद्देश्य यही रहता है कि जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाने के लिए आऊँ, जो जो भी चीज़ें मैं आपको सिखाने के लिए आऊँ, समझाने के लिए आऊँ, वो सारे टॉपिक आपके क्लियर हों, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हों, आपके दिमाग में कोई भी एक एक दूसरे, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, कन्फ्यूजन मतलब होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और हमेशा से यही प्रयास रहता है और आगे भी यही प्रयास प्यारे बच्चों रहेगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि क्या क्षारकी विलयन में एच प्लस यानी कि एक्वस आयन होते हैं। क्षारी विलयन में बोल रहा है, हाइड्रो जो है अम्लीय विलयन में तो हमें पता है कि एच प्लस आयन होते हैं, कह रहा क्या क्षारी विलयन में यानी कि क्षारकी विलयन में एच प्लस आयन होते हैं, अगर हाँ तो यह क्षारकी विलयन क्यों होते हैं। अगर एच प्लस आयन होते हैं, अगर हाँ आपने बोला, तो बताओ ये क्षारकी विलयन क्यों होते हैं। भाई इनको तो अम्लीय होना चाहिए, है ना, है ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है यार। ये तो छोटे से बच्चों को भी पता है, ये देखो, ये तो बच्चों को भी पता है कि अम्ल अम्ल में कौन सा वो होता है, अम्ल में अम्ल जलीय विलयन में क्या देते हैं, तो अम्ल जलीय विलयन में एच प्लस आयन देते हैं, है ना, हाइड्रोजन आयन देते हैं। अगर क्षारी विलयन भी एच प्लस आयन देता है तो बताओ क्यों, बोलो बोलो भाई क्यों। जवाब देखिए, बहुत प्यारा जवाब है, बहुत प्यारा आंसर है कि क्षारकीय विलयन में H प्लस आयन भी होते हैं, ठीक है। सुनिएगा, क्षारकीय विलयन में क्या होते हैं प्यारे बच्चों, H प्लस आयन भी होते हैं, परंतु इनकी सांद्रता OH निगेटिव आयन की सांद्रता से बहुत कम होती है। सबसे बड़ी बात है, OH निगेटिव आयन की जो सांद्रता होती है ना, उससे बहुत कम होती है इनकी सांद्रता, यानी कि OH निगेटिव आयन की सांद्रता अधिक होने के कारण ये क्षारी होते हैं, यानी कि क्षारी विलयन में OH निगेटिव आयन की मात्रा अधिक होती है और H प्लस आयन की मात्रा कम होती है। और H अगर OH निगेटिव आयन क्षारी विलयन में अधिक हैं, ठीक है, अधिक हैं, तो क्या होगा, विलयन क्षारी होगा, ठीक है। और H प्लस आयन क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है, कम है, ये क्या है, क्षार है। अगर इसी जगह मैं आपको अम्ल को समझाऊं, तो अम्ल में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। अम्ल में क्या होगा प्यारे बच्चों, H प्लस आयन अधिक होते हैं, अम्ल में क्या होते हैं, अम्ल में H प्लस आयन अधिक होते हैं, है ना। बोलो, ये बच्चों वाला सवाल था ना, बताइए ये बच्चों वाला सवाल था कि नहीं, ठीक है। मत सोच इतना पढ़ने के बारे में, ठीक है, कि मत सोच इतना पढ़ने के बारे में, तेरे बोर्ड ने भी तो कुछ सोचा होगा, है ना। चलो भाई, चलो चलो चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोई किसान का खेत की मृदा की किस परिस्थितियों में बिना बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चॉक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा। ध्यान से देखिए कि कोई किसान खेत की मृदा की अम्लीय परिस्थितियों में बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग करेगा, ठीक है। अम्लीय परिस्थितियों में क्या करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग करेगा, ठीक है। और बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चॉक का उपयोग, चॉक को प्यारे बच्चों बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग मिट्टी को उदासीन बनाने के लिए करेगा, ठीक है। यदि मिट्टी ज्यादा एसिडिक हो गई है तो वो क्या करेगा, इसको डाल देगा, कैल्शियम कार्बोनेट को डाल देगा, ठीक है। तो क्या होगा, वो उदासीन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न,
CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ तो सोचो हर जगह पूछ लेता है कि बताओ CaOCl2 का नाम क्या होता है। आपने सुना होगा विरंजक चूड़ के बारे में, अक्सर सुना होगा भाई, ठीक है? तो विरंजक चूड़ होता है इसका नाम प्यारे बच्चों, ठीक है? CaOCl2 का नाम क्या होता है प्यारे बच्चों? तो CaOCl2 का नाम होता है विरंजक चूड़, ठीक है? विरंजक चूड़, डन, क्लियर। चलो अगला देखो, प्रश्न नंबर 2। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूड़ बनाता है। क्या करता है? क्लोरीन से क्रिया करता है और विरंजक चूड़ को बनाता है। उत्तर है, उत्तर क्या है? शुष्क बुझा हुआ चूना क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूड़ बनाता है। कौन? याद रखिएगा, ठीक है? शुष्क बुझा हुआ चूना, ठीक है? तो जो शुष्क बुझा हुआ चूना होता है वो क्लोरीन से क्रिया करता है। किससे? क्लोरीन से क्रिया करता है। जैसे यहां पर समीकरण प्यारे बच्चों आपको दिया गया है, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, यहां पर आपको जैसे समीकरण भी दिया गया है, ठीक है? ये देखिए क्या बोल रहा है कि शुष्क बुझा हुआ चूना हम ले लेते हैं, ठीक है? हम ले लेते हैं प्यारे बच्चों CaOH का होल टॉइस। ये क्या है? ये आपका बुझा हुआ चूना है, ठीक है? क्या है प्यारे बच्चों? ये आपका बुझा हुआ चूना है, ठीक है? क्या है? बुझा हुआ चूना। तो हमने बुझा हुआ चूना लिया, क्रिया किससे करा दी? क्लोरीन से करा दी। क्लोरीन का फॉर्मूला क्या होता है? Cl2 होता है। क्या होता है? Cl2 होता है। जब कराएंगे प्यारे बच्चों तो बनेगा विरंजक चूड़। विरंजक चूड़ का फॉर्मूला CaCaOCl2 बनेगा और प्यारे बच्चों जल यानी कि H2O गैस, H2O बाहर निकलेगा, ठीक है? तो ये क्या है? ये आपका बुझा हुआ चूना है, ठीक है? याद रखिएगा, याद रखिएगा, इसको आप लोग लिखिएगा भी, रिवीजन भी करिएगा, ठीक है? क्लोरीन है ये, ठीक है? और ये क्या है आपका? विरंजक चूड़ है, ये जल है, ठीक है? क्या है ये? ये आपका विरंजक चूड़ है प्यारे बच्चों और ये क्या है? जल है, ठीक है? तो ऐसे जो रासायनिक समीकरण है, क्या है? रासायनिक समीकरण, ठीक है? रासायनिक समीकरण ये आपको लिखना आने चाहिए, ठीक है? रासायनिक समीकरण कैसे लिखे जाते हैं ये आपको आना चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो इसलिए आपको क्या होने चाहिए? ये प्यारे बच्चों आने ही चाहिए, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन है कि कठोर जल को, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपके मैंने NCERT से लिया है। मैं आपको बता दूं कहाँ से लिया है? NCERT से, ठीक है? तो आप किसी भी बोर्ड के हैं, आप आसानी से आ करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है? आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके NCERT के बुक से लिए गए हैं, यानी कि ये सारे प्रश्न जो है ना, ये NCERT सॉल्यूशन है, ठीक है ना? और NCERT सॉल्यूशन सोच लो, सिर्फ और सिर्फ बायो अमन दे रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है? ठीक है, डन। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कठोर जल को मृदु करने के लिए, कठोर जल है उसको मृदु करने के लिए, उसको मतलब बिल्कुल है ना वो बनाने के, मृदु मतलब क्या बोलते हैं, कठोर का उल्टा क्या होगा? उसको साफ करने के लिए, मतलब साफ करने के लिए, मृदु मतलब साफ करने के लिए, नरम बनाने के लिए सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? हाँ, सोडियम का उपयोग किया जाता है, लेकिन किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो जो कठोर जल है, कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट, ठीक है? किसका? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, सोडियम कार्बोनेट जिसे धोने का सोडा भी कहते हैं, ठीक है? सोडियम कार्बोनेट जिसको धोने का सोडा यानी कि जिसको धवन सोडा भी कहते हैं, ठीक है? तो धवन सोडा से प्यारे बच्चों क्या, धवन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है प्यारे बच्चों? वो होता है सोडियम कार्बोनेट होता है प्यारे बच्चों, ठीक है? और इसको सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है प्यारे बच्चों? तो ध्यान से सुनिएगा, देखो
देखो अपने दिमाग को एक जगह पे कंसंट्रेट करके लगाना है, ठीक है। आप लोग क्लास 10th में हैं, सच में कहता हूँ आप लोग दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि इस समय आप एजुकेशनल वीडियोस देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बात है कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में अभी से ही सोच रहे हैं, ठीक है। और अगर आप अभी से सोच रहे हैं कि नो डाउट आपको सफलता मिलेगी, ये याद रखिएगा, मुझसे लिखवा के ले लो, ठीक है, मुझसे लिखवा के ले लो कि आप में से हर एक बच्चा ना बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा, ठीक है। हर एक बच्चा जो चाह रहा है ना उसको वो चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि इतना डेडिकेशन और डिसिप्लिन हर बच्चे के पास प्यारे बच्चों नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, कठोर जल को मृदु करने में, ठीक है, कठोर जल को क्या करने में प्यारे बच्चों, तो कठोर जल को मृदु करने में सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कठोर जल को प्यारे बच्चों मृदु करने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा NaHCO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होता है, अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन ले लिए और हम इसे अब गर्म कर दिए, ठीक है, तो पूछ रहे अब क्या होगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन जो है कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होता है, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो ये जो समीकरण आप लोग देख रहे हैं ना, ये समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इस अभिक्रिया के लिए अब इसको हीट प्रदान करेंगे, इसको ऊष्मा देंगे, इसको गर्म करेंगे और देखेंगे क्या क्या बनता है। तो देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को लेंगे, यानी कि NaHCO3 को लेंगे और इसको क्या करेंगे, इसको ऊष्मा देंगे, गर्म करेंगे, तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, Na2CO3 बनेगा और H2O यानी कि जल बनेगा और क्या बनेगा, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। ऐसे ही बनेंगे, ये ऐसे ही बनेंगे, देख लीजिए, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हैं, इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए चलिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लिखा, अब इक्वेशन भी देखिए, इक्वेशन में क्या है, NaHCO3 यानी कि क्या है प्यारे बच्चों, ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब हम इसको ऊष्मा देते हैं, क्या देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो बन जाता है Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट और H2O यानी कि जल, फिर इसके बाद CO2 यानी कि कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP है ना, कहते हैं ना POP, POP का फुल फॉर्म होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। POP की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। अगर POP है तो उसकी जल के साथ अभिक्रिया होगी, तो उसका समीकरण लिखिए। सबसे पहले POP का फॉर्मूला देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 1/2 H2O, ठीक है, ठीक है। चलो कि इसके अगर जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमें जिप्सम यानी कि CaSO4.2H2O बनता है, ठीक है, यानी कि जिप्सम बनता है, ठीक है। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्रिया हम जल के साथ कर देंगे, किसके साथ, प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्रिया यदि हम प्यारे बच्चों जल के साथ कर देंगे तो क्या बनेगा, जिप्सम बनता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है CaSO4 डॉट वह जो है हाफ H2O, ठीक है। इसकी क्रिया जब हम जल से करा देंगे H2O से, एक से 1/2 H2O से, तो हमको प्यारे बच्चों प्राप्त हो जाएगा जिप्सम यानी कि CaSO4.2H2O, ठीक है, ये हमको प्राप्त हो जाएगा, यानी कि जिप्सम हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, हमको जिप्सम प्राप्त हो जाएगा। तो ये आज की क्लास हम लोग यहीं तक प्यारे बच्चों रखेंगे, ठीक है। ढेर सारे वीडियोस आपने देखे, और भी वीडियोस आप सभी लोग प्यारे बच्चों प्लेलिस्ट पर जाकर के देख लीजिए, वहां पर ढेर सारे वीडियोस स्पेशली आप सभी लोगों के लिए बनाए गए हैं।
तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अच्छे से पढ़ते रहना, पढ़ाते रहना, हंसते रहना और हंसाते रहना। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।